एक तो डैडी की गाड़ी के टायर पंचर हुए जा रहे हैं, पता नहीं डैडी की गाड़ी उनको मिस इतना ज़्यादा करती। पहले उस दिन पालमपुर से आते आते पहले टायर की हवा निकल गई, और डैडी देख लो गाड़ी आपको बहुत ज़्यादा याद करी, कुछ नहीं तो बच्चे। सो मैं पीने लगा हूँ रोज़ की तरह अपना आंवला जूस। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। सो ये जो आंवले का जूस था, दिस इज़ नॉट अ पेड प्रमोशन, क्योंकि मैं भी उस लेवल पे पहुँचा नहीं। मैं ये आंवला जूस मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं पीना शुरू किया है, मैंने हैबिट डाली है, और वैसे तो मैं हेयर के बारे में क्या ही आपको टिप दे सकता हूँ, बट एक चीज़ जो मैंने नोटिस करी आंवला जूस पीने से कि जो मुझे पहले डैंड्रफ की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी वो काफ़ी हद तक सॉर्ट हो गई, मतलब है ही नहीं मुझे ऐसे लगता। तो आप भी पियो, ज़रूरी नहीं आप यही वाला पियो, मैं अभी कपीवा का पी रहा हूँ, बट आगे मार्केट में पतंजलि के भी मिलते हैं, या तो फिर आप आंवला ही लेके रोज़ खाओ, और भी उसके बेनिफिट हैं। बट जो मैंने पर्सनली खुद नोटिस किया है वो है कि मुझे डैंड्रफ का इशू, जब से मैं ये रोज़ सुबह सुबह एक ग्लास पी रहा हूँ आंवला का जूस, इट्स गॉन टाटा। सो आज से क्यान का भी स्कूल शुरू हो चुका है, आज क्यान गया है स्कूल, और मैं फ़िलहाल अपने लिए बनाने लगा हूँ ब्रेकफास्ट। मतलब बनाना तो क्या, पूजा ने इंग्रेडिएंट्स रेडी करके रखे, मुझे सिर्फ उसको तैयार करना है, जो कि है सैंडविच। सब इंग्रेडिएंट रेडी है, मुझे बस ब्रेड एंड उसका जो सामान है वो लेके अपना सैंडविच तैयार करना है एंड ब्रेकफास्ट करना, क्योंकि मेरी जो उठने की आदत है वो घर में सबसे अलग है, तो बाकी सब ब्रेकफास्ट कर चुके होते हैं यूजली, मैं और क्यान साथ में करते हैं, बट आज क्यान है नहीं घर पर क्योंकि वो स्कूल गया, तो मैं अपना ब्रेकफास्ट करता हूँ पटापट से। तो आज ब्रेकफास्ट में जो ऑप्शन है वो है सैंडविचेस। सैंडविचेस इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं दो खाऊंगा ना, एक एक खाता तो सैंडविच होता। सो ब्रेड मैंने रख ली है अपने सैंडविच मेकर में, और ये पूजा ने जो इसकी फीलिंग है वो बना रखी है, जो है कॉर्न, शिमला मिर्च, कॉर्न्स, शिमला मिर्च, टमाटर एंड प्याज। मैं सोच रहा हूँ इसमें मेयोनीज लगाई जाए कि नहीं, एक ऐसे बनाता हूँ एक वैसे बनाता हूँ। तो फटाफट से अपना इसमें थोड़ा सा फीलिंग डाल के, मुझे सबसे बेस्ट चीज़ जो लगती है ना सैंडविच में वो है कॉर्न्स। एंड मुझे पर्सनली अगर सैंडविच खाना तो मुझे प्रेफर होता है कि उसमें सलामी डाल के खाऊं, बट अभी यही ऑप्शन है। सैंडविचेज आर स्टिल सॉर्ट ऑफ हेल्दी ब्रेकफास्ट, एंड मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप खाना खा रहे हैं सुबह तो वो ही सबसे हेल्दी चीज़ है, क्योंकि आप चाहे कोई मील ना खाओ बट सुबह की मील खाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। एंड इवन आपने अपने बड़ों बुजुर्गों से भी सुना होगा कि सुबह हमेशा घर से खा के निकलो, उसका एक रीज़न ये भी है क्योंकि आपको पता नहीं आपका दिन कैसे जाने वाला, हो सकता है आप इतना बिजी हो जाओ या ऑक्यूपाइड हो जाओ या कहीं फंस जाओ एंड आपको खाना ना मिले। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आप घर से कभी भी निकल रहे हो तो खा के निकलो, क्योंकि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप रात को पूरा इतने गैप के बाद उठते हो तो आपको एटलीस्ट पूरे दिन वो एक एनर्जी चाहिए वो पूरे दिन को निकालने के लिए, कुछ ना कुछ घर से खा के निकलो। बाकी मेरे नज़रिए में सैंडविचेस हेल्दी ब्रेकफास्ट है, बाकी वो लोगों के अपने नज़रिए होते हैं, कुछ म्यूसली, कॉर्नफ्लेक्स वगैरह एक्सेट्रा, पराठे कुछ खाते हैं कुछ नहीं खाते हैं, किसी को ऑयली पसंद है किसी को नहीं पसंद है, बट एट दी एंड ब्रेकफास्ट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मील, सो उसे ज़रूर खाओ। एटलीस्ट आपको अगर बाहर जाना है तो घर से बाहर निकलने से पहले तो पेट भर के जाओ, एटलीस्ट अन्न का दाना मुंह में जाना चाहिए, क्योंकि दिन का आपको पता नहीं आपका कैसे गुजरने वाला है, सो मेक इट अ हैबिट। सो आप में से काफ़ी लोगों को पता है कि हमने नया फ्लैट लिया है, एंड नया फ्लैट लेने का हमारे पास काफ़ी रीजंस थे। एक तो पहले वाला काफ़ी कंजस्टेड था, तो क्यान को भी छोटा रहता था वो, एंड वहाँ पे कुछ अमेनिटीज़ भी नहीं थी, पार्क पूक, तो यहाँ पे सब कुछ है। मोर ओवर ये काफ़ी खुला घर है, सो अब जब मॉम डैड भी पिछले घर में आते थे तो वो ये थोड़ा वही था कि बड़ा कोई गेस्ट आ जाते थे या मम्मी डैडी आते थे तो बहुत ही वो भर भर सा हो जाता था। अब ये कि हमारे पास काफ़ी खुला डुल्ला सा फ्लैट है, एंड मैं आज सोच रहा था, एक बहुत ही पुरानी वीडियो पड़ी थी जब हमने क्यान को सरप्राइज़ दिया था कि हमने एक नया घर ले लिया और हम जल्द ही मूव करने वाले हैं। हाउएवर उस वीडियो के बाद हमारे को मूव करने में काफ़ी टाइम लगा था,
बट आई थॉट कि उस वीडियो को मैं आज शेयर करूँ, वो जो ज्ञान की हैप्पीनेस थी, तो मैंने वो पहले से सोच के रखा था कि मैं वो तब डालूँगा जब हम मूव कर लेंगे, बट ये कि अब तो हमारे को मूव करते हुए भी ऑलमोस्ट 1.5 महीना हो गया, सो आज अच्छा टाइम है कि मैं उस वीडियो को शेयर करूँ आप सबके साथ। आया आज फर्स्ट टाइम फ्लैट देखने के लिए, ये वाला छेड़ना नहीं कुछ भी, तो बन रहा ना वे। नेक्स्ट मंथ तक हो जाएगा वो रेडी। हाँ नेक्स्ट मतलब इस मंथ रेडी हो जाएगा, फिर नेक्स्ट मंथ हम आ जाएंगे यहाँ रहने के लिए, ठीक है? रहने के लिए? हैं? टैब भूल गए तो? कहाँ भूल जाएगा टैब? टैब तो हम सारा सामान लेके आएंगे वहाँ से। अच्छा कैसे लग रहा है घर आपको? अच्छा। क्या चीज़ अच्छी लग रही है हमें? सारी। नहीं पर बता तो सही क्या अच्छा लगा इस वाले फ्लैट में? बहुत अच्छा। वहाँ से देखा कितना ऊंचा है, बाहर जाके कितना ऊपर है ये। ऊंचा अभी छेड़ना नहीं, टच नहीं, गंदा करना वो मुंह मत लगा अपना। बस लटकना नहीं, लटकना नहीं है। सो क्यान बहुत ज़्यादा खुश है फ्लैट में आने के लिए। ये हमारी वीडियो आएगी बाद में जब हम मूव कर चुके होंगे, क्योंकि दिस इज़ अ सरप्राइज फॉर ऑल ऑफ यू। सो हम ये आपके साथ तब शेयर करेंगे जब हम यहाँ शिफ्ट कर जाएंगे। अभी काफ़ी काम बचा है, होपफुली बाद में शिफ्ट कर देंगे। यही सॉर्ट ऑफ जर्नी थी खाली घर से पूरे भरे हुए घर पे पहुंचते हुए, जिसमें मेरा पसीना निकल गया। वैसे भी पसीना निकला, बट ये पसीना मेरा भी काम करते करते निकला है, क्योंकि मैं लगा था सफाई के मिशन अभियान में और वे बिना पंखे के। तो मैं सोच रहा था ये शीशे साफ़ करूँ जो बाहर की तरफ से गंदे हैं, एंड वो ये शीशे को आप कागज़ से साफ़ करो तो ये होता है। तो ये वाला शीशा तो मैंने जैसे तैसे साफ़ कर दिया, और ये भी यहाँ तक, तो क्योंकि ये बाहर की तरफ से गंदे हैं तो बाहर वाला ऑप्शन है नहीं, क्योंकि हाथ की तो एक सर्टन लिमिट है वहीं तक पहुंच सकता। तो अभी मैंने इतना कर लिया है और बाकी बाद में सोचता हूँ कि वहाँ तक कैसे पहुँचे। ये वाली साइड तो पॉसिबल है, हो ही नहीं सकती, बट ये कोशिश करता हूँ कि ये एटलीस्ट कुछ बांध के या किसी चीज़ से हो सकता है, तो करते हैं वो भी बाद में, क्योंकि फ़िलहाल अभी क्या आने वाला है, एंड शाम को मुझे अपना ऑफिस का भी काम करना है। तो इस प्रोजेक्ट को मैं फ़िलहाल अभी यहीं रोकता हूँ। एक तो डैडी की गाड़ी के टायर ही पंचर हुए जा रहे हैं, पता नहीं डैडी की गाड़ी उनको मिस इतना ज़्यादा करती। पहले उस दिन पालमपुर से आते आते पहले टायर की हवा निकल गई, आप इसकी खड़े खड़े निकल गई। लोगों के याद में आंसू निकलते हैं, गाड़ी के याद में हवा निकल रही है। अब मैं कोशिश करता हूँ उसको पंप से उठाने की, और ना फिर वही चेक लगा के करना पड़ेगा। पंप से उठ गया ठीक है, फिर पंचर लगवा के आते हैं फटाफट से। पर डैडी देख लो गाड़ी आपको बहुत ज़्यादा याद करी, कुछ नहीं होता बच्चे। सो मैंने उतनी हवा भर ली कि पंचर शॉप तक पहुँच जाए, और डैडी को भी अपडेट दे दिया कि आपकी गाड़ी बहुत ज़्यादा आपको याद कर रही है, जल्दी जल्दी ठीक हो जाओ। ये वाली पंचर शॉप तो बंद है, आगे देखनी पड़ेगी। पंचर की शॉप नेड़े सी, तो साडा काम छेती मुक गया। दसो मेरी पंजाबी किवें सी। अपनी गाड़ी में आप और कुछ रखो ना रखो, मतलब प्लेयर ब्लूर ये सब तो चलो सेकेंडरी है, बट सबसे प्राइमरी चीज़ जो मेरे अकॉर्डिंगली है वो है पंप। ये पंप होना बहुत ज़रूरी है गाड़ी, अगर आपकी ट्यूबलेस है ना टायर, तो सिचुएशन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी जैसे मेरा ये गाड़ी का डैडी का टायर पंचर था, तो मैंने पहले उसमें हवा भरी पंप लाइक पहुँचाने के लिए, जहाँ पर मतलब पंचर ठीक लग जाए। और बस मुझे ऐसा लगता है बहुत ज़रूरी, मेरी दोनों गाड़ियों में पड़ा है, डैडी की गाड़ी में पड़ा। उस दिन जब मैं पालमपुर से घर आ रहा था अपने पंजाब चंडीगढ़ खरड़, तब उस दिन मैंने कोशिश करी थी उसको उठाने की, पर वो छेद इतना बड़ा था कि वो उठी नहीं। बट अगर छोटा सा पंचर हो तो उड़ जाती है आपका, एटलीस्ट इतना आपका बन जाता कि आप पंचर शॉप तक पहुँच जाओ और फिर वहाँ जाकर ठीक करा लो। सो और कुछ रखो ना रखो गाड़ी में, एक पंप जरूर रखो अच्छी क्वालिटी का, जो अच्छा प्रेशर हो जिसका, ताकि फटाफट से उठा दें। कभी कभी होता हम सस्ता सा खरीद लेते हैं पैसे बचाने के लिए,
पर वही है, वो फिर बड़ा टाइम लेता है, जितना अच्छा आपका प्रेशर वाला पंप होगा उतनी जल्दी उसको उठा देगा। सो गाइस, टायर ठीक करा के मैं आ चुका हूँ घर, एंड वक्त आ गया है कि मैं इस ब्लॉग को यहीं करूँ समाप्त क्योंकि देखो अभी मैंने आपको बताया मैंने घर लिया है तो उसकी किस्तें भी हैं, किस्तें हैं तो वो चुकानी भी हैं, और चुकानी है तो उसके लिए दिहाड़ी तो करनी ही पड़ेगी क्योंकि YouTube से फिलहाल कुछ आ नहीं रहा है। सो टाइम टू स्टार्ट माई शिफ्ट, मेरी शिफ्ट का टाइम शुरू होने वाला है। तो हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में किसी और चर्चा को लेके या किसी और चीज़ को करते हुए, जैसे कि अभी मुझे घर का भी काफ़ी काम पेंडिंग है जो कराना है, जो धीरे धीरे होता रहेगा। फिलहाल के लिए यहाँ तक ब्लॉग देखने के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय। Thank you.